हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IH गोट्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो जो है ये एक गोट फार्म की है, वीर गोट फार्म, जो कि अंबरनाथ में लोकेटेड है। मचान सिस्टम में बना हुआ ये गोट फार्म है दोस्तों। दोस्तों, यह है वीर गोट फार्म और इनके ओनर है अरविंद भाई। नमस्ते। कैसे हो अरविंद भाई? बस ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। अरविंद भाई, अगर यहाँ पे किसी को आना है तो क्या एड्रेस क्या रहेगा? ये अंबरनाथ ईस्ट में लोक नगरी, अच्छा, बस स्टॉप के सामने निसर्ग ढाबा, निसर्ग ढाबे के पीछे ही अपना फार्म है। अच्छा, वैसा अपन नंबर दे देंगे इसमें। हाँ, दे दे। अगर किसी को आना है तो कॉल करके आपके पास आ जाए। क्या कॉन्सेप्ट है भाई अपने ये फार्म ये का? पलाई पे सब है। पलाई पे रखते हैं इसमें रखते। और कुछ सेल वगैरह के लिए भी है क्या? सेल के लिए भी है। ठीक है, पहले अपन एक बार पूरा फार्म का दिखा लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। ये पहला बार अपना। अच्छा, कौन सी ब्रीड के इसमें? ये पंजाबी है, सोजत है, सोजत हैदराबादी क्रॉस है। ये सोजत है क्या? सोजत हैदराबादी क्रॉस, बच्चे भी वही सेम है। दोस्तों, ये सेकंड बाड़ा है, आप देख सकते हैं इसमें पतिरे के फीमेल्स वगैरह है। अरिन भाई, ये सब पलाई पे है क्या बकरियां? सब पलाई पे। अच्छा, ये थर्ड नंबर का बाड़ा है, अभी बहुत से स्पेस खाली है इसमें। किसी को अगर पलाई पे रखना है तो अरिन भाई को कॉल कीजिए। अभी बहुत बाकी है जगह अपने पास, ये पूरा बाड़ा है, ये इधर दो तीन बाड़े खाली है। ये हैदराबादी फीमेल है क्या? हाँ, ये हैदराबादी फीमेल है, वो मुंडी हैदराबादी फीमेल है, ये वाली। उसी का बच्चा वो कॉर्नर में बैठा है। कितने दिन का बच्चा है ये? 7 दिन का बच्चा है। ये चौथा बड़ा है दोस्तों, पांचवा नंबर का कैबिन है। इसमें ज्यादातर मिक्स ब्रीड है, मिक्स ब्रीड है, मक्की पंजाब है, सोजत है, पतिरा है, हैदराबादी है, तोतापरी है, मेवाती है, इसमें अलग अलग ब्रीड। आप देख सकते हैं काफी स्पेस खाली है। हम इस वीडियो में पलाई का चार्जेस भी पूछेंगे अरविंद भाई से, और क्या क्या फीड ये पलाई के दौरान देंगे बकरे को ये भी देख लेंगे। इसमें सिर्फ गाउटी अपना था, गाउटी। अच्छा, निकाल दिया अपने। और वो साइड में जो है वो सिंगल 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 बकरे, अंडू बकरे वगैरह रहते हैं क्या उसमें? अंडू बकरे ब्रीडर है उसमें। अच्छा, ये बच्चों का कैबिन है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें सारे बच्चे रखे हुए हैं, 1.5-2 महीने के, और इनको सर्दी नहीं लगे इसके लिए पूरा पैक करके और लाइट भी लगा कर रखा है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। 3 महीने तक इसमें रहेंगे और इसके बाद ये 21 दिन वो 12 दिन से 1 महीने तक वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये वाले इसमें? हाँ, इसमें ये बाड़े में, और ये बाड़े में 1 महीने से आगे 3 महीने तक, 2 महीना इधर इसमें रहेंगे, फिर इसमें से फिर बाहर निकलेंगे डायरेक्ट दूसरे केबिन में। देख सकते हैं दोस्तों इनका सिस्टम, ये इनको उस साइड में फीडर लगा के रखा है। ये अंडू बकरे के लिए केज बनाया है ये। अच्छा, 5x5 का केबिन है ये, 5x5 का। हाँ, सारे केज सेम ही है क्या साइज? 12 केबिन है टोटल। अच्छा, एक लाइन में, 12 केबिन। तो अरिन भाई, अगर अपन इनके फीड के बारे में बात करेंगे तो क्या रहता है दिन भर का डाइट इनका, कैसा रहता है? रहता है। अच्छा, उसके बाद हरी पत्ती रहती, दोपहर में गवार भूसा रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर दाना रहता है शाम को, फिर हरी पत्ती, ऐसा। इनका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों,
अगर रेट का बात करेंगे तो बकरा और बकरी दोनों का अलग है या एक ही है दोनों का रेट? तो केज में रहने वालों का अलग है और साथ में रहने वालों का अलग है? केज में रहने वाले का भी 2,500 है और उसमें भी फीमेल का भी 2,500 है। 25 फीमेल का क्या है मालूम है क्या? जो बच्चा पैदा होता है तो 3-4 महीना फ्री रहता है। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर पलाई चालू हो जाता है बच्चे जैसा कि वो खाने लगे उसके बाद पलाई चालू होएगा 10 महीने तक। अच्छा 10 महीने के बाद फिर फुल चालू हो जाएगा पलाई बच्चे का। दोस्तों हम फीड भी आपको दिखा देंगे कि किस तरीके का फीड देते हैं अरविंद भाई इनको दिन भर का, और डाइट का शेड्यूल भी बता देंगे। जिस किसी भाई को पलाई वगैरह पे रखना है तो अरविंद भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। और इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये सब एक एक केज है, अच्छा खासा स्पेस एक बकरे के लिए देखे रखा है, और प्राइस भी बहुत ही अच्छा रखा है उन्होंने, 2500 रुपया। मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत कम प्राइस है ये। काला हरी बोर, ये कितने दिन से है अपने पास अरविंद भाई? ये 1.5 महीना हो गया। अच्छा, क्या वेट पे आया था और अभी क्या वेट है? ये आया था 40 पे। अच्छा, अभी 47 है। 7 किलो गेन किया मतलब? 7 किलो किया। ये देख सकते हैं दोस्तों, सबके लिए अलग अलग फीडर बना के रखा है। ये सारे पलाई पे है ना? ये भी पलाई पे है, ये अपने पास बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा हाँ, तो उसने खरीद के अपने पास ही रखा है। अच्छा, किसी को अगर खरीद के आपके पास रखना तो उसके लिए भी सेम रेट रहेगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका? वही सेम रेट। अच्छा, आपका एक बार नंबर बता दो अरविंद भाई। मेरा नंबर है 9920120626। जी, और एड्रेस एक बार बता देंगे? मेरा एड्रेस है लोकनगरी बस स्टॉप के सामने निसर्ग ढाबा। जी, उसके पीछे निसर्ग ढाबे के पीछे ही अपना अंबरनाथ ईस्ट में। अंबरनाथ ईस्ट में, और फोन कर देंगे तो आप लेने चले जाएंगे अगर कोई स्टेशन पे आया तो। वैसा स्टेशन के पास में ही है अंबरनाथ स्टेशन से। और ये अपना ब्रीडर है जो फीमेल अपने पास आती है। अच्छा, तो क्रॉस अपन यही करते हैं इससे। और बाहर से कोई क्रॉस के लिए आता है उसका भी चार्जेस अपन 2,500 रुपए लेते हैं चार्ज। अच्छा, क्रॉसिंग का माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का हैदराबादी। क्या डिटेल्स है इसके? इसके कान है 18.5। अच्छा, चकलान है 8। इसको बाहर लेंगे भाई जरा? हाँ लेता हूँ। माशाल्लाह, ये देख सकते हो दोस्तों कितने दांत पे है अरविंद भाई? ये 6 दांत पे अभी, पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। 6 दांत पे। और हाइट इसकी? हाइट 29 है, सॉरी 39 है। 39 ले लो इसे साइड में से, यहाँ थोड़ा सा आगे ले लो, पूरा फ्रेम में आ जाए। एक मिनट, ये इनका ब्रीडर है दोस्तों, जो बकरी पलाई पे रखेंगे अगर चाहेंगे तो इससे क्रॉसिंग हो जाएगा उसका। अपने पास कोई फीमेल रखता है पलाई पे? अच्छा, तो उसके लिए कम है ब्रीडिंग चार्ज। अच्छा, मतलब उसको भी चार्ज देना पड़ेगा? जी, लेकिन कम रहेगा, कम रहेगा उसके। उसको 2,500। अच्छा, जो बाहर से लेके आता है उसके लिए 2,500 रुपए है, अगर आपके फार्म में जो पलाई पे रखता है उसको कम चार्ज है। ठीक है, ठीक है भाई। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा वीर गोट फार्म का व्यू है, काफ़ी स्पेस खाली है, जिस किसी भाई को पलाई पे रखना है रख सकते हैं। अरविंद भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप कॉल करके उनको ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं और आप पर्सनली आके विजिट भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में।